ये फोटोशूट एक्चुअली नच के बाद ऐश करवाना चाह रही थी, क्योंकि एक्चुअली बहुत काफ़ी सालों बाद तो मैं कुछ फोटोशूट करूँ, कुछ 6 साल बाद। हाँ, और मुझे इस फोटोशूट के लिए फोर्स किया गया है, धक्का देके बांध के लाए गए हैं कि तुम भी कराओ, तो मैं तो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैंने रोहित को कभी इतना पतला नहीं देखा। सो नच में जाने का सबसे अच्छा हम लोगों को फ़ायदा यही हुआ कि दोनों बहुत पतले हो गए एंड पतली हो गई मतलब वट एवर। और अब आई थिंक जब आप इतने पतले हो जाते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड। मैंने रोहित को बोला कि चलो मैं अपनी पिक्चर्स खिंचवा रही हूँ, तो तुम भी ज़रा अपना हाथ आजमा लो कैमरा के सामने। नच में इन लोगों ने, इसने स्पेशली इतना फन किया एंड काफ़ी लोगों ने इसे लाइक किया। सो आई जस्ट थॉट दैट मे बी इज अ नेचुरल इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड यू शुड ट्राई इट आउट। इस चक्कर में समझ कुछ खाया नहीं है मैंने, ताकि पतला दिखना। नच वाली एक्सपीरियंस माइंड ब्लोइंग था एक्चुअली, हमने सोचा नहीं था कि हाँ मतलब कि इतना आगे तक हम जा रहे हैं, मतलब हमें तो लगा था कि हो जाएगा 2-3 महीने तक। एक्चुअली नच का जो पूरा सफर रहा बहुत अच्छा था। एक्चुअली कल के एपिसोड में बेस्ट परफॉर्मेंस था, हमें नच पावर भी मिला है। हाँ, सो बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे पूरी जर्नी में, लेकिन हमारे लिए मोस्टली अप्स ही रहे क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। डाउन्स तो डाउन्स में तो मैं सीधे स्टेज पे गिर जाता था तो हमने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतने लोगों के एलिमिनेशन को देखेंगे and we thought we'd be the first ones to get eliminated or aisa nahi hua, so it was a very very good journey. रियलिटी शो के बाद ऐसा माना जाता है कि एक चेंज आता है किसी भी सेलेब कोई भी हो, तो आप दोनों की लाइफ में कोई ऐसा चेंज आया स्पेशली? मैं हम पतले हो गए हैं, पतले हो गए, कॉन्शियस हो गए हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, आपका सहनशीलता बढ़ जाता है लाइफ सहनशीलता, क्योंकि वहाँ पर ना फोन थे, ना अखबार था, ना टेलीविजन था, बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक, कोई लेना देना नहीं था, तो वहाँ से आप ऐसी चीज़ें झेलने की वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है। तो अभी मेरे गंदे जोक्स कम हो गए, इनफैक्ट गलत है वो तो, हाँ मेरे गंदे जोक्स कम हो गए, पहले जो मैं इतने पीजे, मतलब मेरी एवरेज थी कि 10 मिनट्स पर पीजे, अभी वो आई थिंक, हाँ आई थिंक वो 2 घंटे पर पीजे हो चुका है, सीरियस हो गए हैं, सीरियस हो गया मैं शांत हो गया उससे। ये चेंज आता है आप लाइफ को, मतलब अलग नजरिए से देखते हो। शट अप नॉनसेंस, ऐसा कुछ नहीं है, लगने लगते बाकी लोग कि हमारे प्रति हम एक ही, हम एक ही है, रोहित है, ईश्वर है ना। अच्छा रोहित, शूट के दौरान कुछ अंकित लग रहे थे,
एपिसोड है या और भी अपने आप को पतला करने के बाद फिर जो आप फोटो शूट करेंगे उसमें का फिटनेस नहीं मेरे को वो मसल वसल वो सिक्स पैक ये सब नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को समझ नहीं आता इतना महान हिंदुस्तानी कि ठीक है जिम विम उतना जिम ठीक है कि थोड़ा ट्रेडमिल कर लिया भाग लिया पतले दिख रहे हो काले कपड़े पहन के वो खुश है, ये मसल वसल मेरे बस का नहीं। अच्छा, और मैं गोविंदा फैन हूँ तो फिर क्या बनता ही नहीं ना, मुझे चाहिए मुझे ऐसी हार्ड बॉडीज बिल्कुल पसंद नहीं है। द आइडिया इज़ टू बी फिट एंड द आइडिया इज़ टू बी हेल्दी। सुबह उठ के ये मुझसे ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं तो इनको मैं क्वेश्चन कर ही नहीं सकती कि तुम फिट नहीं हो। आई थिंक आई कैन क्वेश्चन माई सेल्फ फॉर दैट। तो मोटापे से या पतलेपने से आप फिटनेस या अपनी हेल्थ का यू कैंट रियली अज्यूम दैट जस्ट बिकॉज यू थिंक यू नो यू आर हेल्दी। तो रोहित हेल्दी है एंड ऑफ कोर्स वेट लूज करना तो अच्छी बात होगी पर आई होप कि वो आई लाइक हिम द वे ही इज। मुझे भी मैं ऐसा पसंद है। मैंने हमेशा से पहले भी यही मेंटेन किया है कि मैं एक प्रोजेक्ट लेती हूँ उस प्रोजेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, जब वो ख़त्म हो जाता है फिर मैं एक वेकेशन पे जाती हूँ और फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करती हूँ। तो अभी प्लान यही है कि अभी रोहित और मैं आफ्टर इतनी मेहनत करने के बाद हम नच के ख़त्म होने के बाद हम लोग एक वेकेशन पे जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है ज़िंदगी, उसके बाद समझेंगे। वेकेशन ख़त्म हो जाए वापस आ गए, वेकेशन के बाद दो दिन वेकेशन और चाहिए कि अभी अब क्या। हाँ। फिर सोचेंगे काम का क्या करना है। मैंने कभी भी काम को लेकर स्ट्रेस नहीं लिया और ना ही लेने वाली हूँ। तो कोई प्लान्स ही नहीं, मतलब इफ यू वांट टू फोकस जस्ट ऑन द टीवी। आई डोंट वांट टू लाइक कि ओ माय गॉड मेरे पास बहुत सारी ऑफर्स हैं और मैं उसके बारे में सोच रही हूं। नथिंग, मुझे कोई ऑफर्स नहीं क्योंकि अभी भी मेरा नच का सफर जारी है। सो एक बार ये नच का प्रोजेक्ट खत्म होगा तो जो ऑफर्स आएंगी या लोग जो ऑफर्स देना चाहते हैं उनको मैं कंसिडर करूंगी, लेकिन अभी के लिए कुछ भी बोलना कि यू नो मैं ये कर रही हूँ या मैं ये करना चाहती हूँ वो भी रॉन्ग। खुशी तो क्योंकि नच के सफर में इतनी मेहनत मेरे लिए, डांस करना ये करना वो करना, अब एक्चुअली कहीं बाहर जाना चाहता हूँ। हम कुछ प्लान कर रहे हैं, काफ़ी डेस्टिनेशन सोची हैं, बट शिमला तो मैं
जरूर जाऊँगा क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, उसके आसपास से हुआ है। अभी अभी क्या एक्चुअली मेरे को मौसम का वहाँ ज़्यादा पता है, अभी बारिश हो जाएगी, रास्ते गिर जाते हैं, एक बार चले गए तो फंस जाओगे, एक बार बारिश ख़त्म हो जाए उसके बाद जाएंगे। फिलहाल हम इस्तांबुल जाने का सोच रहे हैं। हाँ, दिल धड़कने दो के बाद हम लोग थोड़े से इंस्पायर हो गए हैं इस्तांबुल जाने के लिए। बट लेट्स सी, और टर्किश कॉफ़ी पी प्लान तो यही है। थैंक यू।